हेलो हेलो सुना है लड़कियों से मार खाए हो गई बहुत देखा आप सभी लोगों ने बहुत प्यार से नाम बताए थे अंकुर नाम है बड़ा अच्छा प्रयास हमारे दिनकर जी कर रहे हैं बिल्कुल बेटे बिल्कुल बहुत सुंदर और इतना अच्छा प्रयास किया है पीछे वाली कुर्सियां खाली करवा दी उन्होंने कुछ लोग पैसा लेके आए थे वो भी लेके चले गए और का सोचे अगली बार देंगे बातें तमाम कर रहे हैं बातें काम एक पैसे का नहीं हो पा रहा है दैया एक पैसा का तुम ये गाना गा रही हो ये गाना तो दादा हरिकिशन जी गाया करते थे ये कटपीस गाया करते थे गाना अब हम कोई ठेका थोड़ी लिए हैं कि तुम कौन सा कटपीस गाओगी पहली बात तो आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए और क्या दहोलिया जी दहोलिया जी दहोलिया जी इधर उधर मत देखिए बातों में ना उलझाओ वरना फिर कहेंगे तुमने ये कहा कुछ सुनेंगे कुछ कहेंगे और क्या वो गुस्से कह रहे थे कि क्या हम कोई ठेका थोड़ी लेंगे तुम कौन सा कटपीस गाओगी पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं कटपीस गाने वाली थी ये बात मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ये कटपीस जो मैंने गाया था कि भगवान शिव सर्प लपेटे हैं विष्णु जी सर्प पे लेटे हैं ये कटपीस मैं कई बार आपके सामने गा चुकी हूँ बिल्कुल तो उस कटपीस को आपने पूरा मटिया मेट कर दिया पोस्टमार्टम कर दिया उसका अब जरा लैंग्वेज देखिए कह रहे हैं ये बता रही हैं कटपीस की ऐसी तैसी कर दी अरे बारी भावनाएं वाह भैया वाह कम से कम अपनी नहीं तो मंच की मर्यादा तो रखिए और क्या पूरा ऐसी अपनी अपनी नहीं तो हमारी तो रखिए मर्यादा कुछ का बोल गए बउआ ऐसी की तैसी नीचे वाले भी दोहरा रहे हैं अरे अरे गुरु ऐसी की तैसी उनको कुछ ना कहो अच्छा भाई गुरु ही बता रहे हैं गुरु ऐसी की तैसी क्या कहें आपको तमाम बातें आपने कर दी हैं और जो गीत मैंने गाया टुकड़ा गाया माफिया सर जो उठाएंगे बाबा बुलडोजर चलाएंगे तो कह रहे देखे कि बच्चे बच्चे यूक्रेन से लाएंगे और तिरंगा हम लहराएंगे
अच्छा ये लाइन आपके ही दिमाग की उपज है बस। बच्चे यूक्रेन से लाएंगे, यहाँ आबादी कम है का भैया। छात्र लाओ तो अलग बात है, बच्चे का है लाओ यार। ये बात सही है, इसको कहते हैं पकाड़ा। धन्य हो विधाता, यही बच्चे है, बच्चे लाओ तो इसको कहते हैं पकाड़ा। बच्चे और छात्र, देखो अपने अपने टन में बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, बैठे बैठे ना चलो, खिसी आओ ना आओ। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, बर्दाश्त करो। बच्चे यूक्रेन से लाएंगे, तिरंगा को लहराएंगे। हम सब बता रहे हैं कि दो लाइन इसकी क्या जोड़ लेती हो, दो लाइन उसकी जोड़ लेती हो। अच्छा ये लाइनें आपके ही दिमाग की उपज हैं, इसको आपने ही सोचा है। बिल्कुल बेटे, इन्होंने ही खोदा है। अरे आपसे पहले शशिराज कमल जी, अभी जवाबी हुई थी मेरी शहादतगंज में, उन्होंने भी गाया इस लाइन को। बच्चे यूक्रेन से, छात्र यूक्रेन से लाएंगे और तिरंगा हम लहराएंगे। और वही सब कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानमती ने गुनवा जोड़ा। भानमती बहुत काम की चीज थी। बढ़िया जवाबी कर रहे हो, और हमसे बता रहे हैं ऐसी जवाबी होती है। अरे उमेश भैया, आप वही लाने बोल दे तो कहीं ऐसी जवाबी थोड़ी होती है। कहते बात करना करो हमसे, अच्छा हद की हो भाई। दुनिया भर की बातें तो कर रहे हो, लेकिन गाने को ठीक से गा नहीं पा रहे हो। अरे नीचे वाले गा गा बता रहे हैं, तब भी नहीं बता रहे। और नीचे वाले बार बार गा गा के बता भी रहे थे, ये धुन ऐसे है, वो धुन ऐसे है, लेकिन नहीं, नीचे वाले का गला बैठ गया गाते गाते। सुनिए सुनिए, कि जरा पास देके चले आइए। जरा पास देके चले आइए, जमाने की बातों पे ना जाइए। ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, जो खाली सिंगर का नाम बता देना बस। आधे घंटे से उमेश भैया ऐसे तुम ये लिख रहे हो, तुम फलानी की लाइन गा रहे हो, तुम ये गा रहे हो, तुम वो गा रहे हो। जब दुनिया भर की बातें करने से पहले अगर धुन सेट कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा लगता, तो ठीक होता। बातें तमाम किए जा रहे, काम नहीं हो पा रहा है, और का इसलिए बुलाए गए हो। और देखिए, जबकि मैंने बताया क्या कि कहानी ये भी मिलती है कि चंद्रमा में दाग क्यों है, सबसे पूछा गया, तो किसी ने कहा कि इसमें रावण ने जो विभीषण को लात मार के निकाला तो उनको उनको लात का निशान दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो दाग बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसमें भगवान की छवि नजर आ रही है, इसलिए दाग दिखाई पड़ रहा है, और इनको कुछ नहीं मिला, वही कहानी फिर घूम फिर के लेके चले आए। क्या करें, दुख भरी कहानी है। का सोच के आए थे, सरदार बहुत खुश होगा। कुछ नहीं मिल पाया जवाब में, और घूम फिर के फिर वही ले आए। बोले सागर में देखा शशि की परछाई। अब देखो पहली लाइन है, सागर में देखा शशि की परछाई, फिर वो शशि के पड़ा किसका है दाग। समझो, शशि के पड़ा किसका है दाग। और फिर आखिरी लाइन बोली कि धरती की छाया पड़ने लगी है। अरे पहले सागर में परछाई दिख रही है, और फिर धरती की छाया भी दिखाई पड़ रही है। अच्छा, अगर पानी में परछाई दिख रही है तो धरती कहाँ थी उस समय, है? उसकी भी तो छाया दिख रही है, बताइए। और अगर धरती की छाया दिखेगी चंद्रमा में तो खाली एक जगह दिखेगी, पूरे में दिखना चाहिए, और का कहा भैया, कहा बोल गए बउआ।
अब माथा पकड़ के ना बैठो आप, खैर हो जाता है कभी कभी, आप पछताए हो का जब सड़वा चढ़ गए साथ। और का कुछ अपनी कहावतें लाओ। टुकड़ा है आपकी ओर से क्या करने? बेहतरीन भोजपुरी गीत गाया है, बढ़िया। कि दिल ना लगई हा भगवान भोलेनाथ ने कह दिया शिव संकल्प कीन मनमाही तो यह तन सती भेंट अब नाही, और कहा कि जा जा ये तन अब ना मिले, और जा जा ये मन अब ना मिले। सुने प्रयास मेरी ओर से, कहानी मिली कौन से द्वाप चमक रहेगा त्रेता में ही एक कहानी और मिल रही है। कौन से? एक धोबी अपनी पत्नी को ये कह करके अपने घर से निकाल रहा था, क्या तू रात भर घर से गायब रही है, ओहो। और मैं वो राम नहीं हूँ जो सीता इतने दिनों लंका में रही फिर भी उन्होंने रख लिया। एक मिनट, सबका साथ सबका विकास। वाह भैया वाह। एक भैया माइक दे दीजिए, भैया माइक उठा के दे। हेलो हेलो, बहन राखी जी, भैया सुशील दिनकर जी, राखी जी आप कटपी से जवाब देते हैं, उसके बाद अपने मन का एक गीत, जब आप सवाल का सवाल खत्म होता है यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन एक गीत सुना दे, उसके बाद में गंगा के बाबा की जो आपको दिए गए थे वो गीत सुना दे जी, और सुशील भैया भी जी आपने मन का एक अच्छा गीत सुना दे, उसके बाद में फिर वो गंगा के बाबा की सुना दे, हम लोग ही चाहते हैं। ठीक है बहुत बढ़िया, क्या बात। हाँ बिल्कुल, अरे बस क्या बात है, बहुत देर मांग रहा था। ये हमारे भैया जी और भाभी जी सामान्य श्री रामस्वरूप भैया जी कोटरी से पधारे हैं आप, और आप दोनों की तरफ से ये बहुत ही स्नेह प्रेम सम्मान हम सभी कलाकारों के लिए आया है। बिल्कुल बेटे, एक से एक मुद्राओं का आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है।
देखा दिनकर जी ये होता है। हाँ और कही है सच्चाई। अगर एक गीत मैंने गा दिया था, हाँ। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, हालांकि वो गाना इतना पुराना भी नहीं था कि लोगों ने ना सुना हो। ये आपने झुंझलाहट में उसी चक्कर में उससे भी और पुरानी तर्ज गा दी। झुंझलाहट नहीं बेटा, गुनगुनाहट में। और आप कुएं में चले गए, कुएं में। और हमारे भाई साहब को यही कहना पड़ा कि अब जवाबी बंद करो, बस अपना अपना गाओ, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे क्या। तो वो धोबी है अपनी पत्नी को डांट रहा है और कह रहा है, क्या बेटे क्या, बिन अनुमति के सम्मति के गई, बिन अनुमति के सम्मति के गई कुल के, अरे कुल के ये विपरीत किया। और सुन के रही रात भर घर से गायब, स्वामी से अनीत किया, स्वामी से अनीत किया, स्वामी से अनीत किया। तुम उसे ही दगाबाजी कर रही है और फिर भी ये आशा लगा रही है, ये सोच रही कि मैं तुझे अपने साथ रख लूंगा। तो उसने कहा, क्या बड़े राम में नहीं जो, राम में नहीं जो सिया घर आई, रावण की लंका में फिर भी अपनाई। मैं वो राम नहीं हूँ जो जिन्होंने सीता को दोबारा से अपना लिया। तो सुन मेरी बात, करम ही कर भला, करम भला कई सन कई गई लू, और तू राती राती भर गायब भैलू। तो अब अरे जा जा जा, अब ये वरना मिले, अब ये पति तुझे नहीं मिलेगा, तो जा जा जा, अब ये वरना मिले, और जा 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 जा, अब ये घर ना मिले। एक गीत और दिया है आपने, कौन सा, होने लगी है, स्पेशल वाला गीत हो जाए तो। स्पेशल गीत क्या हो जाए, पानी जोर से आया। अब आ गया, कट जाएगा, हवा आने लगी।